ऐसा लग रहा था कि भाजपा एक वन वे मेजोरिटी थंपिंग वोटों से जीतने के आसार बन रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस के लोग जुड़ते गए और ये बीच में ऐसा लगा कि भाई बिल्कुल कांटे की संगीता बेनीवाल को लेकर भी खींचतान की। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है और 4 जून को परिणाम आएंगे। उससे पहले एबीपी न्यूज़ पहुंचा है पाली, जहां पर पाली के कुछ वरिष्ठ पत्रकार एबीपी न्यूज़ के साथ हैं। इनसे बात करेंगे कि जो पाली की लोकसभा सीटें 8 विधानसभा सीटें हैं, जहां से बीजेपी के पीपी चौधरी है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से संगीता बेनीवाल, तो किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्या समीकरण रहेगा? सर, आप काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन सीटों को कवर भी किया है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस बार का चुनाव बहुत ही अलग अंदाज में लड़ा गया था। पहले लग रहा था कि मोदी सरकार, राम मंदिर, धारा 370, सनातन धर्म कहीं ना कहीं लीड कर रहे थे, पर जैसे जैसे चुनाव और जनसंपर्क आगे बढ़ता गया तो एक समय ऐसा आया कि लगने लगा कि नहीं, ये कहीं मुद्दे गौण नहीं हो जाए। कांग्रेस की संगीता बेनीवाल है, उन्होंने अपना पूरा दमखम लगाया। अपन बात करें पाली की, तो 8 विधानसभाएँ हैं, जिसमें से 3 जोधपुर ज़िले की है और बाकी 5 पाली ज़िले की विधानसभा है। 8 में से 6 पे भाजपा के विधायक हैं, जबकि 2 पे कांग्रेस के विधायक हैं, जिसमें से एक पाली शहर और एक भोपालगढ़ SC है। तो यूं विधानसभा वाइज देखा जाए तो भाजपा का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। चुनाव जब स्टार्ट हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि भाजपा एक वन वे मेजोरिटी थंपिंग वोटों से जीतने के आसार बन रहे थे, लेकिन चुनावी जनसंपर्क और भाजपा की जो बूथ टारगेट था उनका, जो पर वो कहीं ना कहीं एक ऐसे लग रहा था कि कार्यकर्ता है वो मन से नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल हो गए, ये 3rd टाइम था पीपी चौधरी का। कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी नज़र आ रही थी, कार्यकर्ता नाराज थे कि भाई हमारे काम नहीं हो रहे हैं, पर अंतोदगत्वा ऐसा हुआ कि सभी कार्यकर्ता, पीपी चौधरी ने सब कार्यकर्ताओं को मनाया, बूथ वाइज उन्होंने जनसंपर्क किया, विधानसभा वाइज अपने आप को मजबूत किया और चुनावी कंटेस्ट में वापस नज़र आने लगे। अब ऐसा लग रहा है मतदान के बाद में, पिछले चुनाव के कंपैरिजन में कम हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीपी चौधरी एक बार हैट्रिक बनाने में कामयाब रहेंगे। जैसे आपने बताया कि पीपी चौधरी हैट्रिक बनाने में कामयाब रहेंगे, तो संगीता बेनीवाल को लेकर कांग्रेस में भी कुछ खींचतान थी क्या? संगीता बेनीवाल को लेकर भी खींचतान की, उनको टिकट वितरण टिकट देने के बाद में कार्यकर्ता जुड़ नहीं पाए थे। हालांकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट का यहाँ पे उल्लेख करना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं उस फैक्टर का भी असर पड़ा, तो उसके चलते कुछ बूथ ऐसे भी थे जैसे भोपालगढ़ थे, ओसिया थे, बिलाड़ा, जो जोधपुर ज़िले से कनेक्ट विधानसभाएँ थी, वहाँ पर उनको बूथ पर कार्यकर्ता बैठने के लिए नहीं मिले। ये भी एक रूमर चुनावी जनसंपर्क के दौरान नज़र आया था। तो आपने एनालिसिस किया, पूरा समीकरण किया, आप वहाँ पर सीटों पे मौजूद थे, आपने भी किया सर KR गोदारा जी पाली लोकसभा सीट को लेके, तो आपको क्या कुछ नज़र आया, किस तरह के समीकरण हैं अब आगे? देखिए, जैसे योगेश जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है, शुरुआत में ऐसा लगा था कि बीजेपी एक तरफा जीत रही है और गाँवों में, जो खास करके गाँवों में भी ऐसा माहौल था, क्योंकि संगीता बेनीवाल कांग्रेस के लिए नई कैंडिडेट थी तो लोग उनको जानते भी नहीं थे। हाँ, चूँकि वो राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के अहदे पे वो थी, बाल आयोग की वो चेयरमैन थी, तो कुछ लोग उनको जानते थे, लेकिन अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में उनकी वो नहीं थी। तो शुरुआती चुनाव बीजेपी का एकतरफा था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस के लोग जुड़ते गए और ये बीच में ऐसा लगा कि भाई बिल्कुल कांटे की टक्कर है। लेकिन चूँकि कांग्रेस के जो जोधपुर जिले से संबंधित 3 विधानसभा क्षेत्र है, ओसियाँ, भोपालगढ़ और बिलाड़ा, तो ओसिया में जैसे पहले दिव्या मदेरणा का लोकसभा चुनाव टिकट को लेकर चला, फिर उनको नहीं मिला तो वो थोड़ी नाराज उधर से हो गई। राजेंद्र चौधरी के नाम पे चर्चा चली, उनको टिकट नहीं मिला तो वो एक थोड़े साइड में हो गए। तो राजेंद्र चौधरी का बिलाड़ा और जैतारण साइड में थोड़ा अच्छा उनका प्रभाव है, ओसिया में इनका है। भोपालगढ़ में सिटिंग MLA कांग्रेस का है ज़रूर, लेकिन उसके बावजूद इस बार जो पोलिंग हुई है वो बहुत कम हुई है। पिछली बार भोपालगढ़ में 80% के लगभग पोलिंग हुई थी, लेकिन इस बार 50-55 के लगभग हुई है। इसी तरह जैसे सोजत को ले लो, सोजत है प्रॉपर पाली है, पाली में भी इमराजी भाटी है इस बार MLA हैं कांग्रेस के, तो बाली है, तो ये जो क्षेत्र हैं जहाँ शीरवी बेल्ट इनको बोलते हैं,
कुछ माधो सिंह दीवान जो इनके धर्मगुरु हैं सीरवियों के, इनका अच्छा प्रभाव है पाली में, तो उनके पास भी कांग्रेसी गए बताएं कि भाई आप कुछ, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं। तो कुल मिला के फिर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आए तो बीजेपी वापस हावी होती गई, और नो डाउट राम मंदिर, धारा 370, और सबसे बड़ा इसमें पाली लोकसभा चुनाव में जो सबसे वोटिंग फैक्टर रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। लोगों ने कहा हम नाराज़ हैं, हम पीपी से नाराज़ हैं, काम नहीं हुए, सब कुछ था, लेकिन वोट तो फिर मोदी को ही देंगे, ये लोगों की भावना थी, और उसी भावना के अनुरूप उन्होंने वोटिंग भी की। वोटिंग कम होने का रीज़न है जैसे कांग्रेस के कोर वोटर्स जो हैं मैं एससी एसटी और मोमडन, इन्होंने वोटिंग कम की, कुछ वोटिंग जो की है वो नोटा को गए, तो इस चक्कर में ये जो वोटिंग परसेंट है वो कम हुआ, लेकिन जो वोटिंग हुई है वो बीजेपी के पक्ष में प्लस। तो पाली लोकसभा सीट भी बीजेपी के पक्ष में जाती नज़र आ रही है आपके कहने के सुन। सर महावीर शर्मा जी आपका स्वागत है, मुझे ये बताइए कि ये जो चुनाव था पाली लोकसभा सीट का, तो ये आपने कवर किया था, तो आपको किस तरह के समीकरण नज़र आए, कौन किसका पलड़ा भारी है इसमें? देखा जाए तो कुल मिला के मोदी जी की जो छवि है उसको लेकर ही चुनाव हुआ था, और बीजेपी का पक्ष मजबूत नज़र आ रहा है। हालांकि कार्यकर्ताओं में नाराज़गी थी, लेकिन उनकी नाराज़गी को वापस कैचअप करने में बीजेपी सक्षम रही। हालांकि कांग्रेस ने नए प्रत्याशी के रूप में महिला चेहरे को दिया था, लेकिन उनकी वो पकड़ इतनी नज़र नहीं आ रही है। जो मतदाताओं का रुझान जैसा देखा गया है उस हिसाब से तो भाजपा का हैट्रिक बनना तय है। भाजपा का हैट्रिक बनना तय है, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस में खींचतान थी, आपसी कलह चल रही थी, जिसके कारण जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो आगे नहीं बढ़ पाई? नहीं, कांग्रेस में जो नए चेहरे को टिकट दिया था उसे कार्यकर्ताओं दूसरे जो टिकट के पैर अब दावेदारी कर रहे थे उनको थोड़ा सा झटका लगा था। उन्होंने अपने पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं किया, और जनसंपर्क और उसमें भी देखा जाए तो बराबर सहयोग नहीं किया, इस चक्कर में ये समस्या आ रही है। सर एक सवाल और करूँगा, जैसे कौन सी विधानसभा, जैसे 8 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर, जैसे ये संगीता बेनीवाल है, कौन सी विधानसभा सीट से आगे लीड कर सकती है, आपको क्या लगता है? इसमें ये लग रहा है कि पाली में जैसे भीमराज जी भाटिया विधायक कांग्रेस के हैं, तो ये थोड़ा सा मतों का अंतर इसमें ये लेके आ सकते हैं। बाकी ओसिया, बिलाड़ा और भोपालगढ़ में जो स्थिति इनकी है वो दयनीय है। ठीक है, आप एक युवा पत्रकार भी हमारे साथ है नवीन मोदी, मुझे बताओ आपने एक सीट को कवर किया था, तो आपको क्या लगा कि कौन आगे है, कौन पीछे है, किसका पलड़ा भारी है, ऐसी चीज़ें आपके सामने आई होगी ना? ऑब्वियसली इसमें पीपी चौधरी का पलड़ा भारी है, जो कांग्रेस ने जो है नए प्रत्याशी महिला को जो टिकट दिया है उसको लेकर के लोगों में काफ़ी नाराज़गी भी थी, लेकिन अभी जो चुनाव हुआ है वो मोदी के नाम पर हुआ है, उसमें कैंडिडेट से नाराज़गी जरूर थी, लेकिन लोगों को ये था कहीं ना कहीं जो है हमें मोदी को ही वोट करना है, यही इनका एक था। नहीं तो आपके सामने ऐसी कोई क्या क्या चीज़ें आई थी, कौन कौन सी विधानसभा सीटों को लेकर उनको लग रहा था आपको कि ये यहाँ से लीड कर सकते हैं या यहाँ पे इनके साथ बगावत हो रही है? विधानसभा सीट पर भोपालगढ़ से तो ये उनको संगीता बेनीवाल को थोड़ा जो है लीड मिल सकती है, इसके अलावा जो है बाकी तो कुछ तकाश लगाने में से। अब मैं बता दूं कि पाली लोकसभा सीट के को लेकर करीब करीब 4 वरिष्ठ पत्रकार थे जिनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मौजूदा सांसद से तो नाराज़गी थी लेकिन जो मोदी फैक्टर है और मोदी ब्रांड मोदी है उसको लेकर लोगों ने विश्वास जताया है, और आने वाले 4 जून को जो परिणाम भी आएंगे तो भाजपा के पक्ष में आएंगे, वो सिर्फ मोदी ब्रांड मोदी के लिए आएंगे। जोधपुर से करणपुरी, ABP News।